त्योहारी सीजन में सोने की मांग कैसी रहेगी, इस पर जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे ने। त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है, किस तरह रहेगी सोने की चाल, सोना महंगा होगा, सस्ता होगा या कोई और ट्रेंड बदलेगा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सईम जी। सर पहला सवाल ये, सोने की चाल किस तरह की रहेगी पूरे सीजन के लिए? देखिए सोना अभी देखा जाता है कि श्राद्धों के टाइम पर उसके पहले थोड़ा सा घटता है, और सोना जो $1900 था वो नीचे घट के $1830 से आया, और भी थोड़ा नीचे गया था, लेकिन अभी सोना वापस $1860 आया है। इसराइल की जो वॉर हुई है हमास के साथ, उस वजह से भी थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशंस के वजह से 12 तारीख तक सोना फिर भी थोड़ा सा दो दिन तीन दिन और मंदी के रह सकते हैं। और राइट बाइंग के हैं, अगर एंड कंज्यूमर आके माल खरीदना चाहे तो उसको शायद लगे तो अपना माल को सिर्फ बुक करके डिपॉजिट दे के रेट बुक करा के जा सकता है, और नवरात्रे में अपनी जाके डिलीवरी ले सकता है। रेट्स यहाँ से 5-7% और बढ़ सकते हैं दिवाली धनतेरस के दिन, और मुझे लगता है कि राइट टाइम है बाइंग का, क्योंकि जो भी चार्ट्स आ रहे हैं, ओवरसोल्ड था गोल्ड बीच में और अभी भी थोड़ा ओवरसोल्ड है, उस हिसाब से गोल्ड का रेट्स अभी अचानक से कम 1000 से 1500 रुपये जंप होने की आशंका है। सर ये तो हो गए निवेशक की बात, लेकिन अगर हम घरों की बात करते तो हम जानबूझकर उन तारीखों को ही चुनते हैं जहाँ पे हमको खरीदारी करनी होती है या ज़रूरत के हिसाब से करते हैं, तो उसके लिए क्या सीज़न के लिए कुछ हमने ऑफर्स तय किए हैं, किसी बैंक से कुछ और बातचीत की है, कुछ ऐसा जो हम ग्राहक को ऑफर कर सकें? देखिए जितने भी रिटेलर्स हैं इंडिया ने, उन्होंने पुराने पिछले 3 महीने में काफ़ी अच्छी बाइंग की है इसी सीज़न के लिए, 1.5 महीना जो सीज़न ये चालू रहने वाले हैं उसके लिए, और जो वेडिंग सीज़न है दिवाली के बाद 10 दिन बाद, उसके लिए भी अच्छी बाइंग की है, जिसके लिए 15 तारीख से ऑफ़र्स चालू हो गई हैं। जीजेसी ने भी इंडियन ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल का लॉन्च किया है 15 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक, जहाँ पर हम 5 किलो गोल्ड, काफ़ी सारे जो 10 से 15 हम ज्वेलरी देंगे, हर बाई के साथ चांदी का सिक्का देंगे।